हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कंपास एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल द कंपास एकेडमी पर तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पॉइंट चार्जेस, यानी दो पॉइंट चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, यानी हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, उसी के बारे में आज हमें सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पॉइंट चार्जेस। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूं। अभी तक जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करी थी, वो हमने एक पॉइंट चार्ज के कारण फाइंड करा था। उस पॉइंट चार्ज को हमने पहले ओरिजिन पे रखा था, फिर हमने अवे फ्रॉम द ओरिजिन रखा था, तो हमने फॉर्मूला ड्राइव करा था। बट इसमें क्या, आपके पास दो पॉइंट चार्जेस है, यानी दो पॉइंट चार्ज के कारण हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो डायग्राम देख लीजिए, ये आपने बना दिया क्या है, एक्सिस बना दिया है। ये इसका ओरिजिन पॉइंट ओ है, दिस वन एक्स, दिस वन वाई एक्सिस और दिस वन जेड एक्सिस। ओके, अब देखिए, आपके पास एक पॉइंट सपोज दैट यहाँ पर है ए, इस जगह है आपके पास, इसको हमने कह दिया है क्यू वन, पहला पॉइंट हो गया आपके पास। इसका जो यहाँ से पोजीशन वेक्टर हो गया, ये हो गया आपके पास आर वन। ओके, एक पॉइंट आपके पास यहाँ पर है, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास, चार्ज यहाँ पर हो जाएगा क्यू टू और पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इसका क्या, आर टू। ओके, और आपके पास जो एक टेस्ट चार्ज होता है, यानी जिसको हमें चेक करना होता है, तो इसको हमने कहाँ रख दिया, इस जगह रख दिया, और इसको हमने बोल दिया यहाँ पर Q नॉट, और इसका पोजीशन हो गया आपके पास वेक्टर R। ओके, अब देखिए, इधर आपके पास इस पॉइंट को हमने कह लिया A, इस पॉइंट को कह लिया हमने B, और ये है आपके पास पॉइंट क्या, आपके पास P। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कारण हम पहले इस पर फोर्स निकालेंगे। ओके, अब फोर्स जब निकल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। सिमिलरली फिर हम क्या करेंगे, इसके कारण इस पर फोर्स निकालेंगे। ओके, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। तो ये आपके पास दो पॉइंट चार्ज के कारण हम क्या निकालेंगे, इस पर निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए, आपके पास आर है, ये आर वन है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो जाएगा वेक्टर आर माइनस आर वन, और ये आर टू है, ये आर है, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर आर माइनस आर टू। तो ये है आपके पास डायग्राम, इस डायग्राम को आप अच्छे से बना लीजिए और बस इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके डायग्राम कैसे बनेंगे। अगर डायग्राम अच्छे से बन गया तो आपके पास सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ओके, तो देखिए, मैं इसको डिराइव कर रहा हूं, तो ड्राइव कर रहा हूं, तो सबसे पहले आपको पता है कि लाइन कैसे मेंशन करते हैं। ओके, आप देखिए जरा, सबसे पहले कंसीडर लाइन लिखेंगे, लेट टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू प्लेस्ड एट ए एंड बी। दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 कहां पर प्लेस्ड है, एक A पर प्लेस्ड है और एक कहां पर प्लेस्ड है, B पर प्लेस्ड है। ओके, हैविंग पोजिशन वेक्टर, हैविंग दियर पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर आर वन एंड आर टू, आर वन एंड आर टू, ये आपके पास रिस्पेक्टिवली। ओके, इनके जो पोजिशन वैक्टर हैं क्या है, आर वन है इसके लिए, क्यू वन के लिए, आर टू है क्यू टू के लिए। तो ये दो चार्जेस भी हो गए और ये दो आपके पास क्या हो गए, इसके कंडीशंस भी होगी, यानी पोजिशन की कंडीशन। क्लियर हो गए यहां तक? अब आपको क्या मेंशन करना है, टेस्ट चार्ज को मेंशन करना है। ओके, लेट अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट
पॉइंट पी विद हैविंग पोजिशन वेक्टर आर। तो हमने क्या एक मेंशन कर लिया कि आपके पास एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट जो कहां पर है पॉइंट पी पर है और उसका पोजिशन वेक्टर क्या है आर है। तो इतना आप समझ गए। अब आगे देखिए, तो देखिए यहां पर जो आपके पास होगा ना वो दो फोर्स काम करेंगे। सबसे पहले हम फोर्स की बात करेंगे क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन ये होता है ना क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है। तो हमें सबसे पहले फोर्स चाहिए होता है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स देखिए आप सबसे पहले पहले इसके कारण इस पर फोर्स निकालेंगे, फिर इसके कारण इस पर फोर्स निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, देयरफोर एक्टिंग फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q1 के कारण Q नॉट पर हम पहले फोर्स निकालते हैं। तो ये क्या होगा आपके पास बता सकते हो क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपके पास वेक्टर F1 is equal to 1/4πε₀। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपके पास कि पहला चार्ज आपके पास क्या है Q1, वेरी गुड। दूसरा चार्ज है आपके पास क्यू नॉट, वेरी गुड। अपॉन आप देखिए आपके पास पोजिशन की कंडीशन है, इसका पोजीशन क्या है R-R1, वेक्टर R-R1। और जब भी हम पोजीशन के कंडीशन में फोर्स लेते हैं तो इसमें हम यूनिट वेक्टर भी लेते हैं और यूनिट वेक्टर की कंडीशन के कारण ही आपके पास जो यहां पर फोर्स आता है ये आता है यहां पर डिस्टेंस का क्यूब और इसके साथ आता है वेक्टर R-R1। मैं पिछली वीडियो में यह सब समझा चुका हूं, आप एक बार उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं वहां पर कि हम पोजीशन कैसे लेते हैं। ओके ओके, अब ये हो गया आपके पास फर्स्ट फोर्स किसके कारण Q1 के कारण क्यू नॉट पर पहली कंडीशन आ गई फोर्स की, गॉट इट। अब सेकेंड आता है सिमिलरली एक्टिंग फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q2। अब इस पर फोर्स निकाल रहे हैं किसके कारण, इस Q2 के कारण। तो फोर्स निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास वेक्टर F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε₀। अब Q1 की जगह है आपके पास यानी फर्स्ट पॉइंट की जगह है Q2 और सेकंड की जगह है Q0 आपके पास चार्ज। अपॉन यहां पर जो पोजीशन आएगा आपके पास वो आएगा R-R2, ये हो जाएगा वेक्टर R-R2 का क्यूब और ये हो जाएगा वेक्टर R-R2। ये दिस वन से इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये दो कंडीशन हो गई आपके पास, एक तो होगी इसके कारण इस पर फोर्स और एक हो गई है इसके कारण इस पर फोर्स। तो दो कंडीशन आपके पास यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। अब देखिए जरा आगे हम और चलते हैं, अब इसको डिस्कस करते हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम और आगे चलते हैं। तो देखिए जरा इसके आगे मैं अब यहां पर कर रहा हूं, यहां पर क्या कर रहा हूं, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट ड्यू टू पॉइंट्स Q1 एंड Q2। अब इन दोनों के कारण इस पर टोटल फोर्स कितना होगा ये देखिए आपके पास, ये होगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर F1 + F2 हो जाएगा। ओके, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4πε₀ Q1 Q0 अपॉन वेक्टर R-R1 क्यूब इनटू वेक्टर R-R1 प्लस 1/4πε₀ सेकंड के लिए Q2 Q0 अपॉन वेक्टर R-R2 का क्यूब वेक्टर R-R2। ओके, यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब टोटल निकालते हैं तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आप देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 1/4πε₀ आपके पास कॉमन है और सेकंड कॉमन क्या है यहां पर आपके पास Q
क्यू नॉट, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो ये जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा क्यू वन आर माइनस आर वन अपॉन क्या हो जाएगा बताइए, वेक्टर आर माइनस आर वन का क्यू प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू टू वेक्टर आर माइनस आर टू अपॉन वेक्टर आर माइनस आर टू का क्यू। तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो ये हुआ है आपके पास, टोटल क्या हो गया आपके पास, फोर्स हो गया है, यानी इन दो पॉइंट चार्ज के कारण इस पर आपके पास फोर्स कितना आएगा, इतना आएगा। ओके, अब चलिए अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन एफ नॉट, तो बस इसी के लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पॉइंट चार्जेस। ओके, आप दो पॉइंट चार्ज के कारण हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, क्योंकि ये दो पॉइंट की बात कर रहे थे हम अभी तक। तो हो जाएगा वेक्टर ई इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर एफ अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास क्यू नॉट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन अपॉन क्यू नॉट इंटू वैक्टर एफ लिख सकता हूँ ना। अब बस यहाँ पर ये पुट करा दीजिए आप वैल्यू, तो ये हो जाएगा वेक्टर ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास बताइए वन अपॉन क्यू नॉट इंटू इस फोर्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करा दीजिए, तो हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपके पास क्यू वन वेक्टर आर माइनस आर वन अपॉन ये क्या हो जाएगा वेक्टर आर माइनस आर वन क्यू, अब प्लस हो जाएगा ये क्यू टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर टू अपॉन क्या हो जाएगा बताइए वेक्टर आर माइनस आर टू का क्या हो जाएगा क्यू। तो ये हो गया आपके पास। अब यहाँ देख सकते हैं आप दिस वन कैंसिलेटेड बाय दिस वन, तो वेक्टर ई इज इक्वल टू कितना आया है वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ब्रैकेट में आ गया है क्यू वन वेक्टर आर माइनस आर वन अपॉन ये हो जाएगा आर माइनस आर वन का क्यूब, ये मैग्नीट्यूड वाली कंडीशन होती है नीचे, ठीक है। हो जाएगा क्यू टू वेक्टर आर माइनस आर टू अपॉन क्या हो जाएगा बताइए वेक्टर आर माइनस आर टू ये हो जाएगा बस क्यूब। तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पॉइंट चार्जेस, यानी दो पॉइंट चार्ज के कारण आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो इस टाइप से आप निकालेंगे। सबसे पहले आप फोर्स निकालेंगे, जिससे पहले निकाला था आपने, जब फोर्स निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन लगा देंगे, कौन सा रिलेशन, ये वाला रिलेशन, देखिए इसको मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, तो बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हुई आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन। तो अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी प्रॉब्लम हम तक जरूर सेंड कीजिएगा, जिससे हम आप लोगों की काफ़ी हेल्प कर सकें। ओके, अब इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे एक चीज़ और बता देते हैं, उसको आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा करने के लिए। ओके,